एकलव्य स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर फोर्थ है ये, और चैप्टर फोर्थ का ये पार्ट वन है। चैप्टर का नाम है भारत के विदेश संबंध। तो दोस्तों ये है सेकंड, आपके सेकंड टर्म के लिए आगे की फाइनल की तैयारी के लिए। एसए वन तो मैंने कम्प्लीट कर दिया था सारा, आज से शुरू करते हैं एसए टू और देखते हैं क्या बनते हैं चैप्टर के क्वेश्चन। हालांकि चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं पर मैं अभी आपको मेन जो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहला आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इंडियन नेशनल आर्मी INA, इसकी स्थापना कब हुई थी हमें ये याद रखना है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। कब हुई थी एग्जैक्ट सन जो है आपको नेट से सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा टाइम है। ऑप्शन दे देता हूँ 1942, 1939 और 1945, तीन ऑप्शन में से कोई एक होगा, आपको बताना है क्या है। और इंडियन नेशनल आर्मी जो था इसकी जो स्थापना हुई थी वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई थी, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करी थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विदेश नीति। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विदेश नीति। तो आखिर ये विदेश नीति होता क्या है, पहले हम ये जान लें विदेश नीति के बारे में कि विदेश नीति हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा हर हमारा एक देश है भारत, और भारत में हम रहते हैं, हम भारत के निवासी हैं। भारत हमारे लिए हो गया स्वदेश, और इसके अलावा बाकी दुनिया के जितने भी देश होंगे वो सभी हमारे लिए विदेश हो जाएंगे। तो विदेश नीति का मतलब ये होता है कि कोई भी देश अपने उन विदेशों के साथ यानी बाकी देशों के साथ कैसे संबंध रखना चाहता है, ये उसकी विदेश नीति में आ जाता है। कि कोई व्यापार करना चाहता है या कोई दोस्ताना रिश्ते रखना चाहता है, कोई युद्ध करना चाहता है या जो भी है वो उसकी विदेश नीति के तहत आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, मैं पढ़ के बता देता हूँ। किसी देश का अपने विदेशों अर्थात विभिन्न देशों से किस प्रकार के संबंध रखना है ये सभी उसकी विदेश नीति के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, 1946 से 1964 तक नेहरू जी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे, सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। इसके बाद आगे आते हैं विदेश मंत्री, हाँ ये प्रधानमंत्री तो थे ही, साथ के साथ ये हमारे देश के विदेश मंत्री भी थे। बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें ही हमें याद होना चाहिए, हो सकता है कि एक नंबर के क्वेश्चन में कोई सी भी बात आपसे पूछी जा सकती है। मेन जो टॉपिक बनता है वो यहाँ से बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेहरू जी की जो विदेश नीति थी उसके तीन उद्देश्य क्या थे, यानी कि तीन बड़े उद्देश्य थे उस विदेश नीति के, तो क्या थे वो ये देखते हैं। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, यानी इतनी कठोर संघर्ष, इतने कठिन संघर्ष के बाद जो हमें आज़ादी मिली है, जो उसके बाद जो हमारी संप्रभुता है उसको हमें क्या करना है, आगे बचाए रखना है भविष्य में। सेकेंड है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, यानी कि एक अखंड भारत का सपना था नेहरू जी का, और ये तो हर किसी का होता है कि उसका देश अखंड रहे, उसमें कोई खंड ना हो, कोई टुकड़ा ना हो, यानी कि क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना कि हमारे देश में किसी भी तरह की कोई अखंडता ना हो। तीसरा पॉइंट है आर्थिक विकास, यानी कि हर किसी का यही होता है कि उस टाइम हमारा देश काफ़ी गरीब था और देश में समस्याएँ बहुत ज़्यादा थी, तो उस हिसाब से आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण था। तो तीसरा पॉइंट इन्होंने रखा था आर्थिक विकास करना, यानी तेज़ी से आर्थिक विकास करना। और नेहरू इन उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता की नीति को अपना कर पाना चाहते थे, यानी हम क्या चाहते थे कि गुट निरपेक्षता की नीति अपनाएं और उसके द्वारा इन उद्देश्यों को प्राप्त करें। उस समय क्या था दोस्तों, यहाँ से देखो मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। उस समय कुछ समूह, कुछ लोग या कुछ पार्टियाँ बहुत सारे थे जो ऐसा कहते थे कि भारत को अमेरिका से ज़्यादा अच्छे संबंध बनाने चाहिए, यानी कि सोवियत संघ से हमारे संबंध अच्छे थे लेकिन वो चाहते थे कि हमें सोवियत संघ की बजाय अमेरिका से संबंध अच्छे बनाने चाहिए। तो कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनमें से एक थे जो ये मानते थे कि हमें अमेरिका से संबंध अच्छे बनाने चाहिए। दूसरा हो जाएगा भारतीय जनसंघ, जनसंघ जो पार्टी थी वो भी यही चाहती थी, और भारतीय स्वतंत्र ये जो स्वतंत्र पार्टी थी भारत में ये भी यही चाहती थी। तो ये हो जाएगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज भी हमारे लिए है। यहाँ पे ये है कि 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले पर मिस्र पर आक्रमण किया और भारत ने इसका विरोध करा। तो इससे पहले मैं आपको ये बुक में दिखा देता हूँ कि आप, उम्मीद करता हूँ कि आप इससे पुरानी जो भी मतलब मैंने पिछला पेज पढ़ा है सारी चीज़ समझ गए होंगे। एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, INA का पूरा नाम क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी। किसने स्थापना करी, सुभाष चंद्र बोस ने। कब करी थी, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। अगला है विदेश नीति, क्या होती है विदेश नीति, कि हमारा हमारे विदेशों के साथ कैसे संबंध है, ये हमारी विदेश नीति है। फिर नेहरू जी की विदेश नीति के तीन उद्देश्य थे, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, आर्थिक विकास करना। नेहरू जी हाँ गुट निरपेक्षता को अपना कर ये चाहते थे। इसके बाद ये था कि कुछ
जो व्यक्ति थे वो ये चाहते थे कि भारत अमेरिका से ज़्यादा अच्छे संबंध रखे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनमें से एक थे, और जनसंघ पार्टी और स्वतंत्र पार्टी ये था। इसके बाद मैं आपको बुक की पीडीएफ से दिखाता हूँ एक बार, कुछ थोड़ा सा रह रहा है तो मैं वहाँ से करवा के फिर नोट्स पे आता हूँ। ये देखो, ये आपकी बुक है और ये है हमारा फोर्थ चैप्टर। क्या रह गया था मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। हाँ, यहाँ से दो खेमों से दूरी। यहाँ पे क्या है दोस्तों, वही सारी चीज़ें वही सारी बातें जो हम पहले चैप्टर में और पहली बुक में पढ़ चुके हैं। क्या है मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ से हाईलाइट करके। ये आपको क्या दिख रहा है, नाटो। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा वारसा। नाटो और वारसा, ये दोनों ही चीज़ें हमने पहले बुक के पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ी है। नाटो एक अमरीकी संगठन था, सैन्य संगठन था, और वारसा सोवियत संघ का संगठन था। तो इसमें ये बताया गया कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को आदर्श माना। ना तो भारत सोवियत संघ में शामिल हुआ, ना ही भारत अमेरिका में शामिल हुआ। गुटनिरपेक्षता की नीति को उसने बेहतर माना, और इसने क्या करा कि गुटनिरपेक्षता को अपनाकर संतुलन बनाने की कोशिश करी। संतुलन बनाने में कुछ टाइम पे दिक्कत भी आई। दिक्कत कैसे आई थी ये देखो, यहां से क्या हुआ था 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पे हमला कर दिया। जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले पर मिस्र पे हमला करा तो भारत ने उसका विरोध करा, लेकिन उसी साल सोवियत संघ, जो कि हमारा दोस्त था, सोवियत संघ ने क्या करा, हंगरी पे आक्रमण कर दिया। लेकिन भारत ने इसका विरोध खुले तौर पे तो नहीं किया। यहां से एक बात समझ में आती है कि भाई, एक का भारत ने विरोध करा, दूसरे का भारत ने विरोध नहीं करा, तो ऐसे में संतुलन साधने में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। सोवियत संघ का विरोध हम क्यों नहीं कर पाए खुले तौर पे, क्योंकि सोवियत संघ हमारा अच्छा दोस्त था, सोवियत संघ से हमें मदद मिलती थी। लेकिन फिर भी इन मामलों को अगर हम छोड़ दें तो अधिकतर मामलों में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया, यानी कि अपने आप को स्वतंत्र रवैया अपनाया था। इसके बाद एक टॉपिक बनेगा, वो टॉपिक ये बनेगा कि ये जो पाकिस्तान, आप जानते हो पाकिस्तान जो था उसका एक समझौता था। समझौता क्या था कि वो मतलब ये नाटो जो है, नाटो अमेरिका का जो संगठन था नाटो, पाकिस्तान उसका एक सदस्य बना हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से जानते हो, तो यही बातें मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ से है। इसके बाद आते हैं हम अपने दोबारा से अपने नोट्स पे, और नोट्स से देखते हैं यहाँ। तो यहाँ से अगर हम इतना बढ़ चुके हैं, सेकंड पेज पे आते हैं, तो यहाँ से देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही बातें मैंने यहाँ लिख रखी है कि 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर पे के मामले पर मिस्र पे आक्रमण करा तो भारत ने विरोध किया। सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया इसी टाइम पे तो भारत ने विरोध नहीं करा। पाकिस्तान जो था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान नाटो में शामिल था या नहीं, तो हमें बताना होगा कि हाँ, पाकिस्तान नाटो में शामिल था। और अमेरिका भारत से क्यों नाराज था, एक चीज़ ये भी आ सकती है। आप समझो कि हमारा जो उस टाइम पे क्या था कि शीत युद्ध का दौर चल रहा था। शीत युद्ध के दौर में क्या था, अमेरिका सोवियत संघ आमने सामने थे, और ऐसे में भारत जो था वो सोवियत संघ के ज़्यादा करीब था। तो इसीलिए भारत की सोवियत संघ से नज़दीकी के कारण अमेरिका क्या था, भारत से नाराज था। आगे आते हैं एफ्रो एशियाई सम्मेलन, कि एफ्रो एशियाई सम्मेलन क्या है। एफ्रो से बनेगा अफ्रीका महाद्वीप, और एशिया से बनेगा एशिया महाद्वीप, यानी कि यहाँ बात चल रही है अफ्रीका महाद्वीप के देशों और एशियाई एशिया महाद्वीप के देशों के बीच में। इन दोनों महाद्वीपों के देशों के बीच में आपसी एकता, आपसी संबंध, दोस्ताना रिश्ते, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो बढ़ते आगे देखते हैं क्या है। नेहरू जी ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बढ़ाया। क्या हुआ था, 1947 में ही एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन कर दिया, मार्च 1947। अगर आपको याद होगा कि हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वो अगस्त 1947 में हुआ था, यानी कि हमारी आज़ादी से 5 महीने पहले ही नेहरू जी ने एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन करवाया। भारत ने क्या करा, इंडोनेशिया एक देश है, भारत ने इस देश की आज़ादी के लिए प्रयास किया, कि भारत जो था वो हमेशा से प्रयासरत था, और भारत ने औपनिवेशीकरण का विरोध किया और अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को अपनाने की बात कही। औपनिवेशीकरण का मतलब क्या होता है, औपनिवेशीकरण का मतलब होता है कि जब कोई देश दूसरे देश को अगर अपना गुलाम बना लेता है, उस पर हमला करके या उसको जीत कर और उस पर अपनी सत्ता चलाने लग जाता है, तो उसे उपनिवेश या औपनिवेशीकरण कहते हैं। तो भारत इस चीज़ का बहुत विरोध करता था, क्योंकि ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, इन कुछ देशों ने दुनिया भर में औपनिवेशीकरण को बढ़ावा दिया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1949 में भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के समर्थन में एक राष्ट्रीय सम्मेलन करा। क्या हुआ,
कि 1949 में इंडोनेशिया की आजादी के लिए भारत ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन करवाया था। भारत ने अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का समर्थन करा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत चाहता था कि दुनिया में कोई भी देश किसी भी देश का गुलाम ना हो, सभी देश क्या हों, स्वतंत्र हों, और साम्राज्यवाद जो जो था ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। औपनिवेशिक जो औपनिवेशीकरण था ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। इसके बाद क्या है कि साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में जारी रंगभेद, जो रंगभेद था भारत ने उसका भी विरोध करा कि ये जो रंगभेद की नीति है, ये जो भेदभाव है, ये बिल्कुल गलत है। क्या हुआ था, इंडोनेशिया का एक शहर है, शहर का नाम है बोंडुंग। तो बोंडुंग में क्या हुआ था, एफ्रो एशियाई सम्मेलन यानी एफ्रो से अफ्रीका, एशिया से एशिया, यानी इनके देशों का सम्मेलन हुआ। कब हुआ था, 1955 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। तो ये बोलेंगे इंडोनेशिया के बोंडुंग में हुआ, और कब हुआ था, तो 1955 में हुआ। इसी सम्मेलन में क्या हुआ था कि अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र देश थे, एशिया के जो नव स्वतंत्र देश थे, वो करीब आए, उनमें दोस्ती हुई, और यहीं से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव डल गई थी। यानी उसी टाइम से गुटनिरपेक्षता की शुरुआत हुई थी। ये सारी गुटनिरपेक्षता, ये सारी चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पहला सम्मेलन कब हुआ था, 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, ये सब हमने पढ़ा है। कितने सदस्य थे, 25 सदस्य थे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीन के साथ भारत के संघर्ष। तो देखते हैं, चीन एक ऐसा देश है जो हमारा पड़ोसी देश है, और उसके साथ हमारे संबंध हमेशा से आप देखें तो तनातनी वाले ही रहते हैं। लेकिन क्या पहले भी ऐसे ही संबंध थे, तो हम कहेंगे कि चीन के साथ पहले हमारे ऐसे संबंध नहीं थे, अब हमारे चीन के साथ ऐसे संबंध हो गए। एक टाइम पे क्या था, चीन हमारा दोस्त था, और 1949 में चीन में क्रांति हुई थी। उसके बाद चीन में क्रांति हुई जब, तो उसके बाद वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता देने वाले देशों में से भारत एक था। और पटेल जी यानी कि वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने क्या करा था, इनको आशंका थी, शक था कि आने वाले दिनों में या आने वाले वर्षों में चीन एक ताकतवर देश है, हम पे हमला कर सकता है। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने नेहरू जी को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन नेहरू जी ने उनकी बात को नहीं माना। नेहरू जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नेहरू जी कुछ और सोचते थे चीन के बारे में, लेकिन वल्लभ भाई पटेल कुछ और सोचते थे। और हुआ क्या, चीन ने एक दिन हमला कर दिया, और बाद में नेहरू जी को भी इस बात का पछतावा हुआ कि वल्लभ भाई पटेल ने सही बात कही थी। आगे देखते हैं पंचशील समझौता, कि क्या है पंचशील समझौता, इसे जानते हैं। पंचशील समझौता दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पंचशील समझौता यानी कि पांच चीज़ें, पांच बातों का समझौता था। ये किन दो देशों के बीच में था, तो इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से देखो आप, भारत और चीन, इन दो देशों के बीच में हुआ था। तो भारत के नेता उस टाइम पर कौन थे, भारत से थे नेहरू जी, और चीन से थे चाउ एन लाई। इनके बीच में समझौता हुआ था। कब हुआ था सम्मेलन, ये डेट हमें याद रखनी है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 अप्रैल 1954 को हुआ था ये समझौता, चीन के बीजिंग में समझौता हुआ था। नेहरू जी ने हस्ताक्षर कर दिए थे उस पर, और ये था। तो इसे नेहरू की गलतियों में से एक, कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि नेहरू ने एक बहुत बड़ी गलती करी जो चाइना के साथ ये समझौता करा। आगे देखते हैं, हाँ इस सम्मेलन में था क्या, मतलब इस जो समझौता हुआ था इसमें क्या थी, इसमें थी शांति, कि शांति बनाए रखेंगे, दोस्ताना संबंध रखेंगे दोनों देश। इसी टाइम पे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत चला था, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे, इस तरीके की कुछ बातें थी इस पंचशील समझौते में। तो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना किसके बीच में हुआ, कब हुआ, डेट क्या थी और क्या बातें थी। चीन का भारत पर आक्रमण, तो ये जो टॉपिक है इसे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, हालांकि इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन यहाँ दे देता हूँ कि सबसे पहले हम देखते हैं कि 1962 में जो चीन ने भारत पर आक्रमण करा तो क्यों करा, तो हम देखेंगे कि विवाद क्या था। चीन से हमारे जो संबंध अच्छे थे, इतने अच्छे थे, पंचशील समझौता हुआ, सब कुछ हुआ, फिर चीन से हमारी लड़ाई क्यों हो गई, क्यों चीन ने हम पे हमला कर दिया। तो इसका भाई जवाब आप यहां देख सकते हैं कि सबसे पहले देखो, जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य है, जम्मू कश्मीर में एक लद्दाख वाला जो इलाका है, वहीं पे चीन ने उसके कुछ इलाके पे अपना दावा करा है, यानी कि अपना बताता है, उसे अक्साई चीन कहा जाता है, और उस पर चीन ने क्या करा, आक्रमण करके उस पर कब्जा भी जमा रखा है कुछ हिस्से पे। तो ये जो है हमारी तरफ से तो वो हमारा कश्मीर है, लेकिन चाइना की तरफ से वो उसका है, यानी कि चाइना उसे अपना बताता है, भारत उसे अपना बताता है, तो ये एक विवाद का मुद्दा है। सेकेंड है अरुणाचल प्रदेश, नेफा, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, कुछ किलोमीटर का हिस्सा है, उसे चीन अपना बताता है, तो दूसरा विवाद ही हो गया। तीसरा जो सबसे बड़ा विवाद है वो दलाई लामा को लेकर, यानी तिब्बत के जो आध्यात्मिक नेता थे, धार्मिक गुरु थे दलाई लामा, उन्होंने क्या करा था, भारत में शरण मांगी थी, और भारत ने क्या करा था, इसमें दलाई लामा को शरण दे दी थी। जब दलाई लामा को शरण दी तो इसका क्या हुआ,
चीन द्वारा विरोध हुआ, तो इसीलिए फिर बाद में चीन ने 1962 में हमला कर दिया। आगे की कहानी मैं आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगा, फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया आज, अभी लिखे थे नोट्स, और जो रह गए हैं वो मैं कल आपको दूसरा पार्ट लेके आता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और एक एक बात मेरी आपको समझ में आई है तो आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, ये भी बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।